मई को मनाए जाने वाले ईद पर्व के लिए सीतापुर के नगरी व ग्रामीण क्षेत्र में बाजार सज गए हैं। पर्व की महत्ता को देखते हुए दुकानदार द्वारा जालीदार टोपी, लखनवी कुर्ता और कानपुर के बने जूते चप्पलों के साथ साथ विभिन्न तरह की इत्र और परफ्यूम भी बेची जा रही है। ईद के पर्व में अगर मीठे सेवइयों का जायका ना हो तो ये पर्व फीका फीका सा लगता है। ईद पर्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन सेवई की भी मार्केट सजी हुई है। बाजार में विभिन्न प्रकार के सेवइयों का रेंज लगाया है। आपको बता दें कि पुराने सीतापुर इलाके में सेवइयों से बाजार पूरी तरह से गुलजार हो चुका है। यही हाल बिस्वाम, महमूदाबाद, लहरपुर, खैराबाद, तंबौर आदि कस्बे में भी 12 से 15 प्रकार की सेवइयां उपलब्ध हैं। लेकिन इनमें खास बात यह है कि बाजार में बनारसी सेवई ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है। बता जा रहा है कि इस बाजार में बनारसी सेवई दो प्रकार की मौजूद हैं, फेनी सेवई और लच्छेदार सेवई, जो सबसे मशहूर सेवइयों में से एक है, जिसकी एक अलग पहचान है। ईद पर्व को लेकर हर जगह रौनक दिख रही है। जिले में 3 मई को चांद दिखने पर ईद का पर्व मनाया जाना है। वही सेवई के दुकानदार ने बताया कि सर्वाधिक महंगी बिकने वाली बनारसी और फेनी सर्वाधिक महंगी बिकने वाली सेवई है, जिसकी कीमत 120 से 140 रुपए प्रति किलो है, जबकि और भी कई प्रकार की सेवई मौजूद हैं, जो 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक प्रति किलो बिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग अपनी रुचि के मुताबिक खरीदारी कर रहे हैं। फेनी, बनारसी, रुमाली लच्छा, हाफिज सत्तार, सफेद छड़, लाल लच्छा व कलर लाल लच्छा सेवाएं भी लोगों को पसंद आ रही हैं। मुबारक रमजान माह में रोजेदार हर रोज मस्जिदों में नमाज पढ़कर अमन चैन की दुआएं मांग रहे हैं। हर रोज शहर के जगह जगह और रोजेदारों के लिए रोजा इफ्तार का कार्यक्रम भी रखा जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।